आईपीएल का 64वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिरी मैच में लखनऊ को हैदराबाद के हाथों 10 विकेट से हार मिली थी, वहीं दिल्ली को बेंगलुरु ने 47 रनों से शिकस्त दी थी। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने रजत पाटीदार को लेकर बड़ी बात कही। सहवाग ने बताया कि आरसीबी को प्लेऑफ में अगर कोई लेकर जाएगा तो वो खिलाड़ी रजत पाटीदार है। टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने एमएस धोनी को लेकर बड़ी बात कही। अंबाती रायडू का मानना है कि धोनी चेन्नई के भगवान हैं। मुझे भरोसा है कि आने वाले सालों में चेन्नई में उनका मंदिर बनेगा। केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचाने के बाद टीम के मेंटोर गौतम गंभीर ने अपनी सबसे बड़ी गलती का खुलासा किया। गंभीर ने कहा कि मैं और केकेआर मैनेजमेंट सूर्यकुमार यादव के टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया टीम इंडिया की जर्सी को अहमदाबाद में लॉन्च। बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पर जर्सी लॉन्च कर दी है। इससे पहले धर्मशाला में जर्सी की झलक फैंस के सामने आई थी। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक बड़ा बयान दिया है। डेविड मिलर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप में खतरा होंगे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोचिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीसीसीआई बहुत जल्द कोच के लिए एप्लीकेशन विंडो खोलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ हेड कोच राहुल द्रविड़ दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ दूसरी टी20 में जीत के हीरो रहे पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने दिया विराट पर बयान। रिजवान ने बताया कि स्ट्राइक रेट के मामले में विराट बेस्ट बल्लेबाज हैं। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, हम उनकी काफी इज्जत करते हैं। नीदरलैंड्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम घोषित कर दी है। टीम ने स्कॉट एडवर्ड्स को कप्तान बनाया है। आर्यन दत्त और बॉस्टी लीरे ने भी टीम का हिस्सा है। ऑलराउंडर रॉल्फ फॉन्टेरे मेवे और कॉलिन एकरमैन को नहीं मिला मौका। जेम्स एडर्सन के रिटायरमेंट के बाद पूर्व इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि इंग्लैंड के नए गेंदबाजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रॉड ने आगे बताया कि टीम को एडर्सन की कमी खलेगी, उनकी जगह कोई दूसरा गेंदबाज नहीं ले सकता।